राज्यपाल के अभिभाषण पर पंडित श्री नीलकंठ तिवारी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने का अवसर आपने दिया है। मैं 2017 से इस विधानसभा का सदस्य हूं और तब से लेके आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कभी भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने राज्यपाल के अभिभाषण को सुना। एक सदस्य के नाते हमें भी इस बात की पीड़ा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में पूरे सरकार की, एक प्रकार से जो भी सरकार कार्य करती है उस सरकार के पूरे योजनाओं का एक प्रकार से परिचायक होता है, पूरी की पूरी योजना दिखाई पड़ती है, सरकार ने क्या किया, क्या करने वाली है, लेकिन कभी इन लोगों ने सुनने का प्रयास ही नहीं किया। और मैंने अब की बार तो एक विशेष प्रक्रिया दिया, जैसे हमारी बहन जी ने भी बताया कि हमारे गांव में, चूंकि मैं गांव का विधायक हूं, ग्रामीण अंचल से आता हूं, हमारे यहां शाम जैसे होती है, रात जैसे होती है, सीआर बोलता हुआ 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 हुआ, उसी तरीके से इन लोगों ने कागज का ऐसा पोटला बनाया कि उस पोटले से लग रहा था कि कहीं मैं विधानसभा में नहीं अपने गांव में आ गया क्या, शाम ढल गया क्या, सूर्यास्त हो गया क्या, ये कहां से सीआर आ गए, ये कहां से सीआर जैसी बजाने लगी। ऐसा इन लोगों का जो यहां पर एक विधायक, 4 लाख की जनता के आप जनप्रतिनिधि हो, आप समाज से भी हो, कौन सा ऐसा सदस्य जो नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में बिजली हो, हमारे क्षेत्र में स्कूल का चाया चलते हो, हमारे जो गरीबों को आवाज मिले, शौचालय बने, आवास बने, कौन ऐसा विधायक है। हम जब वोट मांगने जाते हैं तो 30-30 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के जनता के चरणों में पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं, उनके से आग्रह करते हैं कि जो पिछली बार गलती हुई उसको क्षमा कर दो, एक बार अवसर और दे दो। हम रोते हैं जनता के बीच में जाने के बाद, और जब आपको अपने क्षेत्र की समस्या उठाने की बात आती है, जब सरकार के कार्यों को समझने की बात आती है, तब आप जो है फेंकने का काम करते हैं, सीआर जैसा आवाज निकालने का काम करते हैं। इस शर्मनाक हरकत से मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, एक सदस्य के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अगली बार जब भी राज्यपाल का अभिभाषण हो उस पर कम से कम ध्यान से सुनो, नहीं तो आपके क्षेत्र की जनता क्या हश्र करेगी 2027 में। और 2027 छोड़ो, जल्दी है 2024 आने वाला है, और 2024 एक ऐसा चुनाव आने वाला है जिसमें तुम्हारा साथ विदेशी ताकत भी दे रही है, और अब की बार विदेशी ताकत से लेकर के तुम सबको समझ में आ जाएगा कि मोदी क्या है, विश्व के सबसे बड़े नेता है, यह सिद्ध हम लोग 2024 में करेंगे। हमारी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या नहीं कर रही है। हमारी सरकार जल से लेकर के, शौचालय से लेकर, आवास से लेकर, राशन से लेकर, बिजली से लेकर के, ऐसा कौन सी एक गरीब को आवश्यकता है जिस आवश्यकता की पूर्ति हमारी सरकार नहीं कर रही। आज सब पे हम काम कर रहे हैं। अरे आप प्रदेश छोड़ो, मैं ग्रामीण अंचल का विधायक हूं, एक छोटे से विधानसभा का विधायक हूं, अगर उस विधानसभा में भी देखोगे तो आज मेरे यहां आवास कम से कम 13-14 हजार, प्रधानमंत्री आवास कम से कम 1 हजार, मुख्यमंत्री आवास, आंगनबाड़ी के केंद्र 35 बन गए, व्यक्तिगत शौचालय 95 हजार बन गए, सामुदायिक शौचालय 210 बन गए, पंचायत भवन 44 बन गए, अंत्येष्टि स्थल 6 बन गए, अटल मनरेगा पार्क 4 बन गए, बादल तालाब 7 बन गए, खेलकूद के मैदान 215 बन गए। कभी सोचा था 17 के पहले नहीं था। आज जनता किसी भी जाति और किसी वर्ग का हो, आज आपके भी समर्थक, समाजवादी पार्टी के भी समर्थक कहते हैं क्या बताएं, कुछ मजबूरी है, कुछ जात पात का मामला है, कुछ ऐसी वैसी बात है, नहीं तो मैं भी भाजपा ही वोट देना चाहता हूं, इतना अच्छा काम भाजपा कर रही है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक जात पात का भ्रम टूटेगा हर व्यक्ति, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास का कार्य कर रही है, सबका विश्वास जीत रही है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपकी जमानत जब्त होने वाली है। अरे चिंता कर लो, कुछ तो काम कर लो। और मैं आपको क्या बताऊं, अमृत सरोवर से लेके जल जीवन मिशन, आप कहते हैं जल जीवन मिशन कहां चल रहा है, कहां जल जीवन मिशन काम कर रहा है, आओ मैं अपने क्षेत्र बदलापुर में दिखाता हूं, 38 ग्राम सभाओं में पानी टंकी बनना शुरू हो गया, और मेरा लक्ष्य है कि 2024 के पहले एक एक गांव में पानी टंकी बन करके हर घर को नल से जल देने का हम लोग काम करेंगे। और तो आज हमारे यहां 425 मजरा,
425 मजरों में विद्युतीकरण करवाया, हमारी सरकार ने करवाया। मुझे शर्म आती है बात कहते हुए, क्योंकि आजादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन 425 मजरे बचे थे विद्युतीकरण की, जो हमारी सरकार ने हमके हमारे विधायक बनने के बाद हम अंत करा रहे। 25,000 हम नए कनेक्शन करा रहे। हमने ऋण मोचन में भी 8,823 किसानों का किया। 90,000 किसान 6,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से मेरे अकेले बदलापुर में 90,000 किसानों को साल का 6,000 रुपया मिल रहा है। आज हमने विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया। आज मेरे यहाँ जितने विद्यालय हैं, लगभग कई विद्यालय 19 पैरामीटर पे हम लोगों ने फाइनल कर दिया। आज विद्यालय रंगे पुते कलरफुल बेहतरीन अच्छे अच्छे उसमें जो है बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए कायाकल्प हमने करके, बच्चों का भी कायाकल्प, उनका भी कायाकल्प हो गया। अच्छे ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर से लेके बैग से लेके कॉपी किताब तक क्या नहीं किया। आज बच्चों की संख्या पे आप बात करते हो, आज ईमानदारी से जाकर के अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय के देखो, जहां 2017 के पहले 10 और 20 बच्चे पढ़ते थे, आज ऐसा कोई, मैं दावा कर रहा हूं इस विधानसभा के सदस्य के नाते मैं दावा कर रहा हूं, किसी भी प्राइमरी पाठशाला में मिनिमम 100 से कम संख्या अगर मिल जाए तो कहना जो कहो, 100 से ऊपर की संख्या आपको हर विद्यालय में मिलेगी। और मैं क्या बताऊं, हमारे यहाँ पंप कैनाल झीड़ सिर अवस्था में थे, मैं धन्यवाद देता हूँ श्री योगी आदित्यनाथ जी को, आज हमारे सारे पंप कैनाल बन गए। आज कोई बदलापुर का चौराहे नहीं बना बचा जिस पर मोटी मोटी सीमेंटेड रोड न बन गई हो। आज हमारे यहाँ नौनो पुल का निर्माण हो रहा, सही नदी पर दो पुल का निर्माण हो रहा। आज हमारे यहाँ कई ITI से लेके फायर स्टेशन से लेके बस स्टेशन से लेके बिजली विभाग के वर्कशॉप से लेके क्या काम नहीं हो रहा। हमको तो लग रहा है दो साल के अंदर हमारा बदलापुर विधानसभा पूरी रूप से संतृप्त हो जाएगा, कोई काम ही नहीं बचेगा। हमको खोजना पड़ता है क्या काम रह गया। आज हमारी सरकार की ये दिन है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग कोई चीज देखो, अगर न दिखाई पड़े तो आ जाओ। लकी जी आप हाथ कर रहे हो, आ जाओ मेरे बदलापुर में, तुमको दिखा दूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को, आज हमारी सरकार मोटा अनाज पर ही काम कर रही है। और मोटे अनाज के लिए जिस तरीके से मुझे याद है, गांव में जब मैं रहता था कि गांव के गरीब कहते थे वो किसान का, तो बस अधिष्ठाता महोदय, किसान कहता था बजरी और बजरा ऐसे फेंक दो छीट दो वो पैदा हो जाएगा। आप, मैं आपसे, मैं आज हमारी सरकार जिस तरीके से मिलेट पे काम कर रही है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी कुछ क्षेत्र की बातें रख करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ITI हमारे यहाँ ITI मेरे, अरे आपस में बात ना करें, बोलने तो आपस में ना बोलिए, आपके पास अवसर है अपनी बात कहने का, आपस में बात ना करें। अधिष्ठाता महोदय आप लोग शांति बनाइए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आग्रह करता हूँ, हमारे यहाँ ITI जो बन चुका है, क्योंकि सरकार PPP मॉडल से उसको चलाना चाह रही है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा है और बहुत ज्यादा वहाँ पिछड़े और SC है। मैं चाहता हूँ कि वह जो है PPP मॉडल पर न चला करके जो हमारा राजकीय ITI ही रहने दिया जाए। एक मेरा ये आग्रह था। दूसरा एक आग्रह था, एक बक्सा लोहिंडा, अरे माननीय सदस्य कृपया शांति रखें, एक हमारा आग्रह था बक्सा तेजी बाजार लोहिंडा बक्सा मार्ग, जो कि पूरी तरह उसका एस्टिमेट बन के शासन में आ गया है, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है, लगभग 50 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट, समाप्त करें आप, उसकी स्वीकृति दे दी जाए। और एक आग्रह था कि हमारे यहाँ MH 731 के किनारे हमारे पास काफी औद्योगिक भूमि है, हमारी सरकार इन्वेस्टर सबमिट कर रही है, और जिस तरीके से हमारी सरकार के इन्वेस्टर सबमिट में 33,50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, और जिसमें करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलने जा रहा है, मेरा आग्रह है कि काशी और अवध के बीच में मेरी बबलापुर विधानसभा आती है, मध्य में है, मेरा निवेदन है कि वहां पर किसी भी औद्योगिक कल कारखाना का या पराग का दूध का भी उत्पादन हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, या पराग का एक वहां पर बड़ा प्लांट लग जाए, ये मेरी आग्रह थी। और एक हमारा महाराजगंज अभी बचा है क्या, उसको नगर पंचायत बनाया जाए, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, यही आग्रह करके चलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए जय हिंद, जय भारत, सदस्य जय माता की, जय।